वेलकम टू सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। सेल बॉडी फेमस किसके लिए होती है? सेल बॉडी फेमस होती है
ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म मींस क्या होगा? ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म मींस होता है सेल बॉडी के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैनुल्स होते हैं, उससे हम क्या बोलेंगे? ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म। तो ठीक है, ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं, उससे हम बोलेंगे ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म। बट एक्सेस मीनिंग ऑफ ग्रैनुल्स, ग्रैनुल्स का मतलब क्या होता है? ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म का होता है इसे हम ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म बोलेंगे, लेकिन ग्रैनुल्स का एग्जैक्ट मतलब होता है ग्रैनुल्स किसको? प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा। प्रोटीन क्यों? प्रोटीन को हम सिंथेसिस करवाने की जरूरत क्यों पड़ती है? फॉर गेनिंग एनर्जी। ओके, सो एनर्जी को गेन करने के लिए न्यूरॉन कंडक्ट क्या करता है? ग्रैनुल्स को अपने पास रखता है। जैसे अदर सेल्स में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स रिच होते हैं आरएनए से, वैसे ही ग्रैनुल्स रिच होंगे व्हाट? आरएनए। सो आरएनए उसमें प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे, तो ये भी किसका काम करेंगे? ये काम करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का। ओके, सो प्रोटीन सिंथेसिस का काम क्यों करेंगे? ये एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ेगी? अरे ये हमारे न्यूरॉन्स हमारा सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, तो इन्हें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ेगी? इम्पल्स को कंडक्ट करने में। तो एनर्जी न्यूरॉन को एनर्जी कौन देगा? हमारा ग्रैनुल्स। तो इसलिए साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स की जरूरत होती है। ग्रैनुल्स का काम होता है एनर्जी बनाना, एनर्जी न्यूरॉन्स को देना, इम्पल्स को ट्रांसफर करना। देन लास्ट एंड मोस्ट लॉन्गर मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ अवर न्यूरॉन इज एक्सॉन। ओके, सो ये क्या है एक्सॉन? ये पूरा एक्सॉन, ये एक्सॉन तो है, लेकिन ये जो रेड पोर्शन है दैट इज नॉट एक्सॉन। रेड पोर्शन के अंदर में जो ग्रीन पोर्शन है उसे हम बोलेंगे एक्सॉन। जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको, ये होगा एक्सॉन, ये पोर्शन एक्सॉन नहीं होता, इसको हम एक्सॉन नहीं बोलते। ठीक है, तो एक्सॉन क्या है? हमारे न्यूरॉन का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गर पोर्शन होता है क्या? एक्सॉन। ओके, सो अब देखो इसमें ये जो, अब ठीक है ये एक्सॉन है, तो फिर ये बाहर वाला क्या है? फर्स्ट आउट ऑफ अवर माइंड। सो ये देखो, ये जो है ये माइनिंग शीट होती है। माइनिंग शीट क्या करे? अब एक्सॉन जो इतना इम्पोर्टेंट प्रोसेस है हमारे न्यूरॉन का, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए कोई चाहिए नहीं चाहिए। तो माइनिंग शीट क्या करती है? हमारे एक्सॉन को प्रोटेक्ट करती है। ओके, सो माइलिन शीट क्या करेगी? हमारे एग्जॉन को प्रोटेक्ट करती है। अब माइलिन शीट किससे बनी होगी? माइलिन शीट बनती है श्वान सेल्स से। ये जो आपको ब्रेथ है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इसके अंदर, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे श्वान सेल्स। व्हाट इज दिस? दिस इज श्वान सेल्स। अब माइलिन शीट पूरे इसमें प्रेजेंट नहीं होती, पूरे एग्जॉन में माइलिन शीट प्रेजेंट होगी क्या? नहीं। अब ऐसा नहीं कि पूरे इसमें पूरे एग्जॉन में माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उससे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती ज्यादा, या वो सेल वहां पर डैमेज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। माइलिन शीट वहां पर प्रेजेंट इसीलिए नहीं होती क्योंकि जब दिस इज पोलराइज एंड नॉन पोलराइज अपने पढ़ा होगा, तो जो इम्पल्स यहाँ से अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, तो यहाँ से ये जो एग्जॉन लेयर है मतलब श्वान सेल्स की, श्वान सेल्स ने प्रोड्यूस की हुई माइलिन शीट जो है वो इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करती कहीं कहीं से, इसीलिए यहाँ पर गैप प्रेजेंट होती है माइलिन शीट के बीच में। उस माइलिन शीट के बीच की गैप को कुछ नाम देना पड़ेगा, तो उस गैप को हम नाम क्या देंगे? ये रही गैप, इस गैप को हम नाम देंगे नोड्स ऑफ हेनरी। व्हाट? नोड्स ऑफ रणवीर। अब डेंड्राइट्स एफएल प्रोसेस थी, एक्सॉन में तो कुछ होगा, एक्सॉन में तो हमारे इम्पल्स को कंडक्ट करता है, राइट? तो एक्सॉन इट इज ए इफरेंट प्रोसेस। व्हाट? इट इज ए इफरेंट प्रोसेस। ठीक है, डेंड्राइट्स क्या था? एफरेंट प्रोसेस। एफरेंट प्रोसेस में क्या होता था? इम्पल्स डेंड्राइट से बाहर जाता था, मतलब दूसरे न्यूरॉन तक। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो एक्सॉन है वो एफरेंट प्रोसेस है। एफरेंट प्रोसेस में क्या होता होगा? एफरेंट प्रोसेस में होता है कि जो इम्पल्स होगा, इम्पल्स एक्सॉन से टर्मिनल से, एक्सॉन टर्मिनल से नीचे की ओर दूसरे न्यूरॉन तक जाएगा। ठीक है, सिनाप्स तक इम्पल्स लाने का काम कौन करता है? एक्सॉन करता है। एक्सॉन में इम्पल्स कहाँ से आएगा? यहाँ से, ये नोड्स ऑफ रणवीर से उसमें इम्पल्स आता है। ओके, सो एक्स
एक्सॉन ब्लॉक्स. व्हाट इज एग्जैक्टली एक्सॉन ब्लॉक? सो सी हियर, दिस क्वेश्चन, यहाँ पर जहां सेल बॉडी खत्म हो रही है वहां पर होगा एक्सॉन हिलॉक. इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सॉन हिलॉक. एक्सॉन ब्लॉक और डी क्या है? दिस इज एक्सॉन टर्मिनल. व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सॉन टर्मिनल. टर्मिनल मतलब लास्ट एंड. एक्सॉन को क्या हुआ? एक्सॉन टर्मिनल इट इज एंड ऑफ एक्सॉन, दैट इज एक्सॉन का एंड मतलब न्यूरॉन का एंड. तो न्यूरॉन स्टार्ट कहां से होता है? डेंड्राइट से. और एंड कहां पे होगा? एंड होगा एक्सॉन टर्मिनल पे. तो ऐसे हम ये जो हमने अभी देखा, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एंड, दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन फंक्शन ऑफ मोस्ट कॉमन न्यूरॉन. मोस्ट कॉमन न्यूरॉन ऑफ अवर न्यूरल सिस्टम. ओके, ये क्या है हमारा? कॉमन न्यूरॉन है हमारे न्यूरल सिस्टम का. अब देखो, ये हो गया हमारा एक न्यूरॉन जो बहुत कॉमन है. ठीक है, बहुत कॉमन है. पर अब देखो, क्या हमारी बॉडी एक ही काम करती है? क्या सिर्फ सोने का काम करते हो या सिर्फ आराम करने का काम करते हो? या सिर्फ एक वक्त पूरे दिन भर आप खा ही रहे हो, या फिर आप खेल ही रहे हो, या कुछ भी ऐसा कुछ होता है क्या? हम एक ही वक्त पे, जैसे मैं आपको कुछ बता रही हूँ, मैं लोकोमोशन कर रही हूँ, मूवमेंट हो रहा है मेरा, है ना, सब कुछ हो, सब कुछ मैं सुन रही हूँ, आप सुन रहे हो, देख रहे हो, कुछ अपनी सराउंडिंग को, हवा को महसूस कर रहे हो, विजन हो रहा है, सब कुछ चीजें के लिए अलग अलग चीजें की जरूरत पड़ती है ना. एक ही न्यूरॉन इन सब चीजों को कंडक्ट कर सकता है. हाँ, कर सकता है, लेकिन इन सब चीजों के लिए अलग अलग और तरीके होंगे ना. तो उन सब कुछ कंडक्ट कौन करेगा? इसके लिए हमारे नर्वस सिस्टम में हमारे साइंटिस्ट ने कुछ चार बेसिस पे न्यूरॉन को फंक्शनल, न्यूरॉन के फंक्शन और उसके पोर्शन से, जैसे इस न्यूरॉन के पोर्शन कितने हैं? तीन पोर्शन या तीन पार्ट, मेजर पार्ट. ओके, तो इसके बेसिस पे इसको, न्यूरॉन को चार पार्ट में डिवाइड किया गया. ओके, सो चार पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे कि आपके सामने आप खुद आप जैसे देख रहे हो ये डायग्राम से. उनकी फर्स्ट टाइप इज यूनिपोलर न्यूरॉन. तो यूनिपोलर न्यूरॉन नाम से ही समझ में आ रहा है. व्हाट इज यूनिपोलर? यूनिपोलर मतलब यूनि मतलब ए, हम पढ़ रहे हैं यूनि 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 मतलब यूनिक मतलब एक, और पोलार मतलब क्या होता है? पोलार मतलब ये एक्सॉन लेयर. तो यूनिपोलर न्यूरॉन मतलब यूनिपोलर मतलब क्या होगा? एक, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? एक्सॉन. तो उसमें होगा एक एक्सॉन, एक एक्सॉन वाला न्यूरॉन को हम क्या बोलेंगे? यूनिपोलर न्यूरॉन. ओके, तो यूनिपोलर न्यूरॉन का फंक्शन क्या होगा? यूनिपोलर न्यूरॉन का फंक्शन होगा कि वो एक्सॉन से टर्मिनल से इम्पल्स को रिसेप्ट करेगा, इम्पल्स को गेन करेगा और कहाँ पहुंचाएगा? गैंग्लियोन्स तक. ये इम्पल्स को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है रिसेप्टर्स टू गैंग्लियोन्स. अब ठीक है, हमें न्यूरॉन पता है रिसेप्टर्स. रिसेप्टर मतलब जो इम्पल्स को रिसेप्ट करेंगे उससे हम क्या बोलेंगे? रिसेप्टर्स. ओके, ठीक है, रिसेप्टर्स से वो इम्पल्स को लेगा, गैंग्लियोन्स से पहुंचाएगा. अब गैंग्लियोन्स क्या होता है? तो गैंग्लियोन्स मतलब क्या होगा? ये एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन का हम जैसे ये एक मार्कर है. अब इस एक मार्कर के साथ हमने ये चार मार्कर को, इसको क्या होगा? इसको हम क्या बोलेंगे? बंच. तो वैसे ही हम न्यूरॉन के बंच को क्या बोलेंगे? न्यूरॉन्स के बंच को बोला जाता है गैंग्लियोन्स. तो रिसेप्टर से गैंग्लियोन तक इम्पल्स को पहुंचाने का काम कौन करता है? यूनिपोलर न्यूरॉन. और यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होगा? हमारे एम्ब्रियो में. एम्ब्रियो मतलब सब जानते हो यार, टेंथ में पढ़े सब लोग ने. ठीक है, तो एम्ब्रियो में प्रेजेंट होगा. अब एम्ब्रियो में किसके? सिर्फ ह्यूमंस की प्रेजेंट होगा या एनिमल्स की प्रेजेंट होगा क्या? नहीं, ये सब में प्रेजेंट होता है. वर्टेब्रेट्स, इनवर्टेब्रेट्स एंड जितने भी हमारे
उन सब में क्या प्रेजेंट होता है? यूनिपोलर न्यूरॉन। ओके, तो ये प्रेजेंट होगा एम्ब्रियो में, ठीक है। एम्ब्रियो एम्ब्रियो का सब कुछ कंडक्ट कौन करेगा? हमारा यूनिपोलर न्यूरॉन। तो इस न्यूरॉन को थोड़ी सी कम, थोड़ी सी राहत मिली कि हाँ एक काम तो कम हो गया मेरा, राइट। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट कंडक्ट करेगा, ये सिर्फ कंडक्ट, ये जो मेजर वाला जो पार्ट है, जो कॉमन न्यूरोन है वो सब कंडक्ट करेगा। लेकिन जो यूनिपोलर न्यूरोन है वो क्या कंडक्ट करेगा? एम्ब्रियोस की जो मूवमेंट है, जो भी उनका फंक्शन है, वो कौन कंडक्ट करेगा? हमारा एम्ब्रियो। ओके, देन दूसरे पर चलते हैं। दूसरा क्या है? बाइपोलर न्यूरोन। जैसे कि हमने अभी देखे यूनिपोलर न्यूरोन क्या होगा, यूनिपोलर न्यूरोन मतलब न्यूरॉन्स में एक एग्जाम प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिपोलर न्यूरॉन। ओके, सो अब आया बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन में भी समझ में आ रहा है, बाय मतलब क्या? दो। व्हाट इज मीन बाय बाय? बाय मतलब दो। तो फिर बाइपोलर न्यूरॉन मतलब इसकी दो एग्जॉन प्रेजेंट होगी, से बाय और ये पोलर, बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये एग्जॉन, इसमें कितने दो एग्जॉन प्रेजेंट होगी? इसमें भी इसके एग्जॉन में क्या प्रेजेंट होगा? माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी। इसमें भी क्या प्रेजेंट होगा? श्वान सेल्स प्रेजेंट होगी। जैसे हमने यहाँ पर देखा माइलिन शीथ, श्वान सेल्स, इन सब में वो चीज प्रेजेंट होगी। अब ठीक है, अब हमारा बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होगा? यूनिपोलर न्यूरॉन हो गया, एम्ब्रियो प्रेजेंट हो गया। अब बाइपोलर कहाँ? बाइपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होगा हमारे रेटिना ऑफ आई में। सबसे बड़ा काम भी सर जब भी कर रहे हो वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है, हम देख सकते हैं तभी तो सब कुछ समझ सकते हैं ना। अगर हम देख ही नहीं सकते तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो हमारा सबसे मेन विजन, हियरिंग, ये सब कौन कंट्रोल करेगा? हमारा बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होगा? रेटिना ऑफ आई, रेटिना ऑफ आई प्लस हमारे इनर ईयर में। ये सामने से जो दिखता है वो हमारा आउटर ईयर होता है। ओके, अंदर में जो इनर ईयर प्रेजेंट होगा उसमें प्रेजेंट होता है हमारा बाइपोलर न्यूरॉन। तो बाइपोलर न्यूरॉन कंटेक्ट करेगा हमारे इनर ईयर प्लस रेटिना ऑफ आई, हियरिंग प्लस विजन की एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करेगा? हमारा बाइपोलर न्यूरॉन। ओके, द नेक्स्ट वन इज सीडो पोडियल न्यूरॉन। सीडो यूनिपोलर प्लस सीडो यूनिपोलर प्लस नॉन यूनिपोलर न्यूरॉन। इससे बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे सेल बॉडी के बहुत सारे नाम होते हैं, वैसे ही इसको हम सीडो पोलर, सीडो यूनिपोलर, सीडो नॉन पोलर, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं, पर कॉमन नेम इज नॉन पोलर। नॉन पोलर से हमको समझ तो आता है ना कि इसके ऊपर एग्जॉन लेयर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होगी। इसमें हम देख रहे थे बाइपोलर, यूनिपोलर मतलब एक एग्जॉन लेयर, एक माइलिन शीथ, एक माइलिन शीथ की लेयर, दो माइलिन शीथ की लेयर, पर इसमें नॉन पोलर, नॉन पोलर मतलब इसमें एक भी एग्जॉन के ऊपर माइलिन शीथ की लेयर प्रेजेंट नहीं होगी। तो इसके ऊपर क्या? इसके ऊपर माइलिन शीथ की लेयर प्रेजेंट ही नहीं है, ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ऐसे इसमें, ऐसे एनिमल्स में, जैसे जो अपने जिसपे लोकोमोशन नहीं कर पाते, जो रेंगते हुए एनिमल्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होगा। जैसे कि नाइटेरिया, हाइड्रा, ये खुद का काम खुद पर कर पाते हैं क्या? मतलब ये वेल डेवलप होते हैं क्या? नॉन वेल डेवलप एनिमल्स में कौन प्रेजेंट होगा? सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स मींस नॉन पोलर न्यूरॉन, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हाइड्रा में और नाइटेरिया में। तो ठीक है, ये हाइड्रा और नाइटेरिया में क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि ये रिसेप्ट करता है सिग्नल को, जैसे कि टच, टेम्परेचर एक्सेट्रा, जो भी वेरिएशंस होते हैं बाहर के सामने फूड है, वो हाइड्रा को कैसे महसूस होता है? ना उसकी आंख है, सिर्फ हाइड्रा में, हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखिए ना, हाइड्रा में क्या प्रेजेंट होता है? ओनली ऑन डेंड्रॉन्स। सो हाइड्रा को हेल्प कौन करता है लोकोमोशन करने में? हाइड्रा को हेल्प करता है लोकोमोशन के लिए वो करता है सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब ये मल्टीपोलर न्यूरॉन, आप सोच रहे होंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन और कॉमन न्यूरॉन तो सेम ही दिख रहा है, दोनों का काम सेम ही होगा, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये सेम नहीं है, सिमिलर, सिमिलर एंड सेम इट इज वेरी डिफरेंट थिंग्स। ओके, तो इट इज नॉट सेम, इट इज सिमिलर। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन का काम प्लस कॉमन न्यूरॉन का काम अलग होता है। तो मल्टी न्यूरॉन क्या करेगा? मल्टी न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? सबसे पहले हमारे ब्रेन में प्लस हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन में तो होगा ही ना,
आपको सभी ब्रेन में प्रेजेंट होंगे क्योंकि नर्वस सिस्टम का होता है हमारा ब्रेन में, हमारे एक्टिविटी ऊपर कंट्रोल करता है ब्रेन। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन मतलब ऐसा न्यूरॉन जो जिस न्यूरॉन में मल्टी मतलब बहुत सारे, जैसे वाई मतलब दो, ऐसे मल्टी मतलब बहुत सारे, पोलर मतलब इसके मल्टीपोलर न्यूरॉन के ऊपर, इस न्यूरॉन के ऊपर पोलर लेयर प्रेजेंट होगी। एग्जाम के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? पोलर लेयर। पोलर लेयर किसको बोलेंगे? हमारी शीट को। हमारी शीट क्या है? हमारी पोलर लेयर। ओके, तो ये मल्टीपोलर इसके ऊपर बहुत सारी मार्जिन शीट, बहुत सारे चीजें प्रेजेंट होगा। अब इसका काम क्या होता है? सबसे मेन इज फंक्शन क्या है इसका? ये फील करते हैं, मूवमेंट करवाते हैं। जो हम मैं अभी मूवमेंट कर रही हूँ, हमारा हाथ उठा रही हूँ, दैट ऑल थिंग्स कौन कंडक्ट करेगा? थिंकिंग वगैरह वगैरह कौन कंडक्ट करता है? हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या कंडक्ट करेगा? मूवमेंट को, थिंकिंग को, फील कराता है। हमें कोई रिसेप्ट मिल रहा है, हमें कोई इम्पल्स मिल रहा है, तो उन्हें रिसेप्ट कौन करता है? सबसे पहले करेगा हमारा कौन? मल्टीपोलर न्यूरॉन। हम विजन कर रहे हैं, तो विजन का सबसे पहले कौन उसको रिसेप्ट करेगा? हमारा बायपोलर न्यूरॉन। सबका काम अलग अलग है, अच्छे से इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं। ओके, सो ये दिख रहा हूँ आपको, ये डेंड्राइट्स और ये एक्सॉन टर्मिनल। ओके, डेंड्राइट्स और एक्सॉन टर्मिनल ये दोनों अलग अलग पार्ट है, अलग अलग थिंक है, अलग अलग थिंग है। ओके, तो ये दिखना सेम है लेकिन टेस्ट डिफरेंट थिंग्स। ओके, तो ये डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन टर्मिनल। डेंड्राइट्स क्या है? उसका फर्स्ट पोर्शन, सबसे ऊपर वाला पोर्शन, और मतलब हमारा हेड समझो। डेंड्राइट्स क्या है? उसका हेड है। और टर्मिनल क्या है? एक्सॉन टर्मिनल क्या है? जिसको हम सिनेप्टिक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। हमारे रिसेप्टर्स कौन कौन होंगे? यहाँ से रिसेप्ट होगा, क्या रिसेप्ट होगा? इम्पल्स रिसेप्ट होगा। और यहाँ से क्या रिसेप्ट होता है? यहाँ से भी इम्पल्स रिसेप्ट होगा। अब ठीक है, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, लेकिन न्यूरॉन्स को थोड़ी सेंस है कि वो हाँ भाई अरेंज करो, हम एक लाइन में खड़े रहेंगे, ऐसा वो सोचेगी कि नहीं इसके बाद ये खड़े रहना है, हाइट वाइज खड़े रहना है, जैसे हम रेली में खड़े होते हैं, ऐसा वो सोचेगी क्या हमें? तो हमारे न्यूरॉन्स कैसे अलग अलग इरेगुलर वे में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि हम आप लोग ने सिनेप्स पढ़ा होगा, सिनेप्टिक जंक्शंस, इसके बाद का टॉपिक है, आप लोग पढ़ोगे ही, ठीक है? तो वहां पर वो प्रेजेंट रहेगा, तो आपको ये तो लग रहा हूँ ये रिसेप्ट कर रहा है तो ये इसको बाहर निकालने चाहिए, ऐसा नहीं होता। ये भी रिसेप्ट कर सकता है, ये भी रिसेप्ट कर सकता है, ये भी आपको इम्पल्स को आगे ट्रांसपोर्ट करेगा, ऊपर वाला भी उसको डेंड्राइट्स को इम्पल्स से इम्पल्स ट्रांसपोर्ट करेगा। ओके, सो दिस इज टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, फर्स्ट बायपोलर, मल्टीपोलर, यूनिपोलर एंड सिंगलपोलर न्यूरॉन्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब आप आगे पढ़ेंगे, इसका अगला टॉपिक क्या है? इसका अगला टॉपिक है सिनेप्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर हमारे समझने के लिए। अब हमें इतना तो पता होना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं, हम सब चीजें कर रहे हैं, तो इसे कंट्रोल कौन करता है? ये तो पता होना ही चाहिए ना। तो ये सब कंट्रोल कौन करेंगे? हमारा नर्वस सिस्टम कौन कंट्रोल करता है? हमारे न्यूरॉन्स। तो इसके अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? बाय।